नमस्कार साथियों, मैं वरुण कुमार अपने दो नए साथियों के साथ में, मोहन जी हैं, नमस्कार नमस्कार साथियों, और फियाज जी हैं, नमस्कार दोस्तों। आज हम हरियाणा में HSSC 5/2009 के दौरान क्लेरिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं दोस्तों। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो विषय रहेगा HSSC क्लेरिकल में कट ऑफ कितने मार्क्स पर जा सकती है। सबसे पहले हमारी सभी की तरफ से आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों, वेलकम वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि कितने बच्चों ने पेपर दिया। अलग अलग 21, 22 और 23 तारीख को जो पेपर हुआ है वो कितने बच्चों ने दिया है। सबसे पहले मैं, मेरे क्वेश्चन लिस्ट के अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोहन जी से चाहूँगा, वो आप सभी को बताएंगे कितने बच्चों ने पेपर दिया है। ये जो 21, 22 और 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है, कितने बच्चों ने पेपर दिया है उसके बारे में फुल डिटेल ही आपको बताने वाले हैं। मोहन जी, मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। मोहन जी। हाँ जी सर, वरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्यारे बच्चों, 21 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में लगभग मान लीजिए आप 50% बच्चे गायब थे, यानी मैं मान सकता हूँ लगभग 1.5 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। 22 वाली शिफ्ट में मॉर्निंग 50% जिन बच्चों ने 21 तारीख को पेपर देखा, अनएक्सपेक्टेड पेपर देखा, बहुत से बच्चे गायब हो गए, तो लगभग आप मान लीजिए 45% से 50% तक बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। इसके पश्चात 22 तारीख इवनिंग, ये सबसे इजी एग्ज़ाम कहा जाता है। अब तक ये कहने वाले हैं सभी कि 22 तारीख का पेपर सबसे ईजी था। इस शिफ्ट में 50% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, लगभग आप मान लीजिए 1.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। 23 तारीख मॉर्निंग को जिन बच्चों ने 22 तारीख को इवनिंग को पेपर देखा, वो 23 तारीख को पेपर देने सुबह गए, बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई, बढ़े, 60% बच्चों ने पेपर दिया, 1.8 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया। 23 तारीख इवनिंग को 50% बच्चों ने पेपर दिया, यानी 1.5 लाख, यानी हम ये कह सकते हैं जैसे HSSC ने अपनी ओर से 15 लाख बच्चों को अपीयरेंस के लिए बोला था, लगभग बच्चे 8 लाख प्लस इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने। इस बार ये देखा जाए तो यानी 50% के आसपास, 50% से थोड़ा सा अब वो बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। मोहन जी, मैं ये कह सकता हूँ, आपने जैसा बताया आपने आंकड़ों के आधार पर कि लगभग 15 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग 8 लाख प्लस यहाँ पर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। हो सकता है इसके पीछे का कारण रहा हो सेंटर की दूरी। लगभग बताया जा रहा है कि सेंटर जो थे वो 300 किलोमीटर दूर पर है, कुछ कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली इस बार HSSC ने बच्चों को बहुत दूर दूर सेंटर दिया, इससे बच्चों को बहुत परेशानी हुई है, और जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है जिसके कारण से, आने जाने के कारण से 10 बच्चे जिनकी ऑफिशियली कहा जाता है कि डेथ हो चुकी है, कुछ बच्चों को चोट भी आई है, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, ये हो सकता है कि दूर सेंटर देने के कारण थोड़ा सा एक कारण रहा हो, यानी यातायात संबंधी और सुरक्षा संबंधी कारण यहाँ पर रहे हो। परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें पहले सेफ्टी के अनुसार की जानी चाहिए थी, हो जाना चाहिए था। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज के आधार पर, कि जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे हैं क्लेरिकल 10/2015 है, और अब की बार जो हुआ 5/2019 से, उनमें जो सिलेबस आया, सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनके अंदर जो चेंजमेंट हुआ, तो उस पर मैं जानना चाहूँगा, राय लेना चाहूँगा फियाज जी की भी और मोहन जी की। पहले फियाज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दोनों के अंदर आपको क्या लगा, क्वेश्चन किस प्रकार से चेंजमेंट हुए, तो उसके बारे में आपकी राय लेना चाहूँगा। फियाज जी। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 5/2015 वाला आपने एग्ज़ाम देखा होगा क्लर्क का, और आज 19 वाला एग्ज़ाम देख रहे हैं, इसमें अगर मैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 5 और 15 वाला एग्ज़ाम बहुत आसान था, सारा का सारा अर्थमेटिक पूछा गया था और अर्थमेटिक बहुत इजी लेवल था।
और जी फियाज जी, आप बताना चाहते हैं 10 2015 वाला है और 5 2019 वाला? जी, दोनों में मैथमेटिक्स जो था, हाँ, वो 2015 का जो एग्जाम बहुत आसान था, काफी सिंपल, बहुत आसान था। और 2019 की जब आप बात करेंगे, 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 21 22 और 23 में, तो 21 का पेपर जो था सबसे टिपिकल था, 22 का मॉर्निंग भी आप मॉडरेट कह सकते हैं, 22 की इवनिंग का पेपर था वो बहुत आसान था, उसमें अर्थमेटिक पूछा गया था, बहुत इजी थी, क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और इसी के हिसाब से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो कट ऑफ रहेगी वो 2015 से इस बार कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, मैथ्स का लेवल काफ़ी हाई हो गया इस बार, क्योंकि +1 और +2 लेवल का मैथ्स पूछा है, साइंस और कंप्यूटर क्वेश्चन +1 +2 +BSc लेवल पहुंच गया है, जो कि पिछली बार नहीं था। तो इससे साइंस और मैथ्स कंप्यूटर ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी टिपिकल आ गए पिछली बार की कंपैरिजन में, तो हो ना हो ये 3 टॉपिक आपकी मेरिट को काफ़ी कम करेंगे। तो यहाँ पर एक कहावत सुनने को मिली जी कि जैसे अभी हमने इसरो ने अपना एक यान छोड़ा चंद्रयान, काफी कम कीमत में उन्होंने अपना चंद्रयान ने छोड़ा, काफी मेहनत की, लगातार पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, और नासा जो कंपनी है, नासा ने कहा कि उसकी थोड़ी सी होड़ हुई है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं HSSC जो है क्लरिकल के जो एग्जाम है वो UPSC की कहीं ना कहीं तुलना में आ गए हैं मेरे को लगता है। लेकिन सर देखिए, एक्चुअली क्या है, हरियाणा के बारे में, हरियाणा की कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते, UPSC मुझे छोटा लगता है उसी कंपैरिजन में, तो क्योंकि हरियाणा का पैटर्न तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि JEE के एग्जाम में अर्थमेटिक पूछ रहा है जहां टेक्निकल पूछना चाहिए, और नॉन टेक्निकल एग्जाम में आपका टेक्निकल पूछ रहा है, तो ये समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है। और मैं तो बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट से मांग कीजिए, और हम भी इस बात की डिमांड करें कि HSC पहले अपना सिलेबस दो, उसके बाद में एग्जाम लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इंटीग्रेशन दो, डिफरेंशियल दो, फंक्शन दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले सिलेबस होना चाहिए। UPSC का सिलेबस होता है, SSC का सिलेबस होता है, दुनिया में जितने एग्जाम्स हैं सबका सिलेबस एक पैटर्न है, एक आपका पैटर्न नहीं, ये क्या रीज़न है जी। आप बता दो, हम ईच चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें ईजी दो, मॉडरेट दो, टिपिकल दो, आपका राइट से, ये हम मना नहीं कर रहे उसको, लेकिन कहीं अर्थमेटिक, कहीं +1 +2। अब हर बच्चा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का तो नहीं है, तो मैंने हरियाणा के जो भी एग्जाम देखे, साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, आर्ट्स और कॉमर्स वालों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आइस जी, धन्यवाद सर, आपने जैसा कि बताया साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए थे और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, बच्चों को करने में उनकी परेशानी रही, और यही कारण हो सकता है कि अब की बार जो कट ऑफ है, या तैयारी करने वाले जो बच्चे थे काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे आर्ट स्ट्रीम जो से थे, उनको नुकसान भी हो सकता है, और दूसरे भी टेक के जो थे या दूसरी लाइन से जो थे उनको फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन नुकसान या फ़ायदा तो कट ऑफ ही बताएगी, कितने पर रहेगी ये तो उसी समय पर देखा जाएगा, लेकिन तुलनात्मक रूप में 2015 में अब की बार जो एग्ज़ाम था उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाले गए थे। जी, अगला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा सर, यहाँ पर यदि हम बात करें शिफ्ट एनालिसिस की, तो शिफ्ट एनालिसिस पर हम बात करना चाहेंगे मोहन जी से। मोहन जी प्लीज बताइएगा। हाँ जी बच्चों, 21 तारीख इवनिंग में जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर टिपिकल था, बहुत ज़्यादा टिपिकल माना जाता है। 22 तारीख की मॉर्निंग को पेपर मॉडरेट माना जाता है, 22 तारीख की इवनिंग शाम को सबसे इजी पेपर अब तक का HSSC ने जो क्लरिकल में लिया है सबसे इजी एग्ज़ाम माना जा रहा है, जिसमें एवरेज स्कोर बच्चों का 70+ जा रहा है। यही एक मेन शिफ्ट है जो पूरे के पूरे पेपर को प्रभावित कर रही है, इफ़ेक्ट डाल रही है, क्योंकि इसमें मैथ्स में अरिथमेटिक प्लस रीजनिंग बिल्कुल ईजी, हरियाणा GK ईजी, हिंदी और इंग्लिश भी ईजी थी, कंप्यूटर का वही लेवल था जो सभी शिफ्ट में था, साइंस का वही लेवल था जो सभी शिफ्ट में था। 23 तारीख की मॉर्निंग ये एग्ज़ाम भी टिपिकल माना जाता है, इसमें मैथ में वेक्टर, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, फंक्शन ऐसे चैप्टर डाले गए थे। इसके पश्चात साइंस और कंप्यूटर का भी सेम इफेक्ट माना गया है, सेम प्रभाव है जो सभी शिफ्ट में था। यानी आप ये मान लीजिए 90 में से आप 20 के आसपास अगर आप इन मार्क्स को हटा दे तो बाकी मार्क्स बचते हैं 70, और 70 मार्क्स में कोई बच्चा 65 के आसपास नंबर कैसे लाए, ये यहाँ पर प्रॉब्लम थी।
23 तारीख की इवनिंग को जो पेपर आया है वो ईजीबी था और थोड़ा सा मॉडरेट था, पर हम ये कह सकते हैं कि 22 की इवनिंग और 23 की इवनिंग का पेपर अब तक ईजी माने जाते हैं। 22 की इवनिंग का पेपर सबसे ईजी पेपर माना जाता है, जहां पर पूरा एवरेज कट ऑफ अगर हरियाणा में देखा जाए, सोशल नेटवर्किंग साइट पे देखा जाए, यूट्यूब पे देखा जाए या सभी मामलों में देखा जाए, तो ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि 22 तारीख का जो पेपर है वो सबसे इजी था, यानी वहाँ बच्चा एवरेज रूप से 70% मार्क्स कर रहा है, 70 मार्क्स प्लस है, यानी आउट ऑफ 90 वो 70 से ज़्यादा नंबर ले रहा है, तो यही पूरे के पूरे एग्ज़ाम को इफेक्ट डाल रहा है। जी जैसा कि मोहन जी आपने बताया कि 21 तारीख को जो इवनिंग में जो एग्ज़ाम हुआ और 23 तारीख को जो मॉर्निंग में एग्ज़ाम हुआ वो काफ़ी डिफ़िकल्ट माने गए अभी तक के, और 22 तारीख की इवनिंग को और 23 तारीख की इवनिंग को जो एग्ज़ाम हुए हैं वो थोड़े से इजी माने गए, और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो एग्ज़ाम रहेगा वो 22 तारीख की इवनिंग का जो रहेगा, जिसमें से 90 में से 70 मार्क्स आए हैं। यहाँ पर एक और बात मैं आपको सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पिछली बार 10/2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 200 मार्क्स का हुआ था, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए था। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो 90 मार्क्स का रहा है, जिसमें क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहा है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से एक नया क्वेश्चन और लेना चाहूँगा कि हरियाणा क्लरिकल 10/2015 के दौरान जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी, और उसकी तुलना हम करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती वो कितनी रह सकती है। जी बताइएगा सर। देखिए जैसा कि आप देखेंगे कि क्लर्क 10/2015 की अगर आप कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो आपने देखा कि पहले उसका 200 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम हुआ था रिटन एग्ज़ाम, और 25 मार्क्स का इसका इंटरव्यू हुआ था, मतलब आउट ऑफ 225 मार्क्स का आपका टोटल था और उसी में से आपके क्वेश्चनों को पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे इसके बारे में तो जो जनरल की जो कट ऑफ थी वो आपकी 150 मार्क्स थी, 150 मार्क्स आप कह सकते हैं, 75 क्वेश्चन अगर आपके राइट थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपके 150 मार्क्स जिसके आए थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। बीसीए देखेंगे तो 138 मार्क्स, बीसीबी देखेंगे तो 146 मार्क्स, एससी देखेंगे तो 132 मार्क्स, ईबीपीजी देखेंगे तो 130 मार्क्स, जिनका रिजल्ट अभी तक अपडेट है। हाँ, एक्स सर्विस होल्ड पर रखा गया है। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 81 मार्क्स पर इनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। उसके बाद ये जो मार्क्स आए हैं वो 200 में से आए हैं, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो 200 में से सारे मार्क्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। उसके बाद 25 नंबर का हरियाणा गवर्नमेंट ने इंटरव्यू लिया था, तो 225 में से फाइनल उनका रिजल्ट आया था। जनरल वालों को 174 पे ज्वाइनिंग मिल गई थी, बीसीए वालों को 158 एंड बीसीबी 164 एंड एससी 152, एक्स सर्विसमैन को 98 मार्क्स पे इनको जॉब मिल गया था। ये था 2015 का मामला। लेकिन जैसा कि मोहन सर ने बताया और मैंने बताया इस बारे में कि 2015 की कंपैरिजन में 2019 काफ़ी टिपिकल आया, तो उस पर हम लोगों ने बहुत विचार किया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा मोहन सर आपको बताएंगे। सर धन्यवाद। सर धन्यवाद। हाँ जी, अब हम यहाँ पर 2019 में जो क्लैरिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, हम इस बार इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखे तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर था 5/2019, जहाँ पर टोटल 90 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम था। उस रिटन एग्ज़ाम में से जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है यानी सामान्य श्रेणी का है, वह बच्चा 59 से 68 के बीच में वेरी कर रहा है, यानी पिछली बार जो बच्चा 75 क्वेश्चन ठीक करके आया था, इस बार उसे 59 से 68 के बीच में क्वेश्चन का वेरी करेगा। मेरे अनुसार या हमारे दल के अनुसार, जो हमारा ग्रुप है उसके एनालिसिस के अनुसार, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइटों पर देखने के पश्चात, बहुत से पेपरों का एनालिसिस करने के पश्चात, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वोटिंग की जा रही है कि भाई कितना किस शिफ्ट में कौन कितना मार्क्स ले रहा है, कितना परसेंटेज मार्क्स ले रहा है, उसके हिसाब से जनरल कैंडिडेट 65 मार्क्स पे, यानी 90 में से 65 मार्क्स जो कैंडिडेट ले रहा है वह लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बीसीए
यानी सेंटर में ओबीसी होता है पर हरियाणा में एक बीसीए होता है, एक बीसीबी होता है। बीसीए कैंडिडेट 52 से लेकर 60 क्वेश्चन, यानी 52 से 60 के बीच में जो बच्चा होगा वो यहाँ पर वेरी करेगा 52 से 60 के बीच में। और हम ये मान सकते हैं कि 57 जिस बच्चे का मार्क्स बन रहा है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल अवश्य आएगा। इसके पश्चात हम नाम देखेंगे बीसीबी, यानी ये ओबीसी का ही सेकंड पार्ट है। हरियाणा में बीसीबी 55 से लेकर 63 मार्क्स, क्योंकि पिछली बार बीसीबी की कट ऑफ बीसीए से ज़्यादा थी। इस बार भी हम एनालिसिस करें तो 55 से लेकर 63 के बीच में, यानी हम कह सकते हैं 60 जिस बच्चे को मार्क्स मिल रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा। इस बार की नई श्रेणी, जिसे हम ये कह सकते हैं आर्थिक आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, उसकी कट ऑफ 56 नंबर से लेकर 56 क्वेश्चन से लेकर 63 तक वेरी कर सकती है। हमारे अनुसार 61 जिस बच्चे का या जिस कैंडिडेट को मिल रहा है उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें एससी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट जिसकी कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई थी, इस बार भी आशा है कि 48 से 56 के बीच में उसकी कट ऑफ आने के चांसेस है। यानी जो कैंडिडेट 52 क्वेश्चन यानी 52 नंबर 90 में से ले रहा है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। एक्स सर्विसमैन, लास्ट पॉइंट बचा है एक्स सर्विसमैन, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी हैंडीकैप या दिव्यांग वाला कोटा, उसके बारे में फिर बात करेंगे। हम सबसे पहले एक्स सर्विसमैन 39 से लेकर 46, यानी जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 44 मार्क्स ले रहा है उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। यही अनुमान पिछली बार के 44 वाला था, इस बार भी 44 का ही अनुमान है, इससे कम ही जा सकता है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे द्वारा इस बार का 2019 क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जिसमें हमने जर्नल कैंडिडेट को 65 और बीसीए कैंडिडेट को 57, बीसीबी कैंडिडेट को 60, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 61 और एससी कैंडिडेट को 52 मार्क्स और एक्स सर्विसमैन को हमारे द्वारा 44 मार्क्स, यानी ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। दो दिन से हम यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और ऐसे सोशल नेटवर्किंग माध्यम से, इंटरनेट की सहायता से इसका एनालिसिस किया गया, पिछले एनालिसिस के साथ में इसका कंपैरिजन किया गया, तब इसके बाद में ये कट ऑफ बनाई गई है। तो जो बच्चा इसके आसपास नज़दीक पड़ रहा है उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, वो तैयार रहे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे उसके तुरंत बाद इसका रिजल्ट घोषित होगा और उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे उसके बाद में जो आपको सोशियो इकोनॉमिक्स नंबर मिलेंगे, यानी आर्थिक सामाजिक आर्थिक आधार पर वो नंबर आपके बाद में ऐड होंगे। लीजिए वरुण सर जी, धन्यवाद। जी मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। यानी कहना चाहते हैं 21-24 की लड़ाई है, 21-24 की लड़ाई है। अब ये 21-24 की लड़ाई थी, आगे आने वाली 21-24 की लड़ाई है। धन्यवाद यहाँ पर मोहन जी का करना चाहूँगा। यहाँ पर मोहन जी एक क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगा कि दो एग्ज़ाम काफ़ी ईजी रहे, कई एग्ज़ाम मुश्किल रहे, क्या आपको लगता है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो DSSB से एक शब्द आया, क्या वो हो सकता है, क्या उन बच्चों को भी फ़ायदा पहुँच सकता है, उन स्टूडेंट्स को भी, उन कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा पहुँच सकता है जिनका मुश्किल पेपर आया? क्या कहना चाहेंगे फयाज जी और मोहन जी, दोनों की मिश्रित राय मैं लेना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इस बार SSC ने अडॉप्ट किया है। SSC ने जो हार्ड शिफ्ट है और जिस शिफ्ट में सामान्य क्वेश्चन आए हैं या हार्ड शिफ्ट है उसको कंपैरिजन करके एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जो कि लागू किया जाता है, जिसके उपरांत बाद में कट ऑफ जारी होती है। हरियाणा में अब तक नॉर्मलाइजेशन की कोई प्रोसेस, कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। हम बात करें 10-2015 की क्लर्क के एग्ज़ाम की, वहाँ भी एक शिफ्ट में पेपर बहुत ईजी आया था और एक शिफ्ट में पेपर बहुत हार्ड आया था। 4 दिसंबर की बात है शायद, उस समय बच्चों को जिसका हार्ड शिफ्ट में पेपर आया था वो लगभग आउट हो गए थे, और जिस शिफ्ट में सिंपल पेपर आया था मैक्सिमम कैंडिडेट वही सिलेक्ट हुए थे।
तो सेम मापदंड पे हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस तभी लागू हो सकती है जब सरकार चाहे, जब HSSC चाहे कि आपकी ओर से नॉर्मलाइजेशन शुरू किया जाए, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया विद्यार्थियों के हित में होगी। यानी बच्चों को मांग उठानी पड़ेगी, बच्चों को इसकी मांग उठानी पड़ेगी, राजनीतिक दबाव बनाना पड़ेगा, HSSC पे दबाव बनाना पड़ेगा, तभी ये नॉर्मलाइजेशन लागू हो सकता है। अन्यथा पिछले रिजल्ट की तरह जो कि क्लैरिकल 10/2015 में हुआ था, सेम रिजल्ट ऐसे ही घोषित होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ 22 सितंबर इवनिंग शिफ्ट के जो कैंडिडेट है उनके लिए सबसे भरपूर चांस है, सबसे ज़्यादा चांस उन्हीं के कैंडिडेट के क्वालिफाई करने के बनते हैं। लीजिए फयाज जी आपकी राय। देखिए सर, जहाँ तक सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, तो सर अगर आप देखेंगे SSC CGL देखेंगे या HSL देखेंगे, तो उनमें अगर आपने देखा होगा पिछले बहुत टाइम से स्टूडेंट की मांग हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। कई शिफ्ट में पेपर आसान आता है, कई शिफ्ट में पेपर टिपिकल आता है, इसमें बच्चे क्या गलती है? आप या तो पेपर के पैटर्न को अच्छा बनाइए, अगर ऐसा नहीं बना पाते हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए जैसा कि बैंक PO करता है। SSC में कई सालों से पिछले मांग हो रही है, दिल्ली में स्टूडेंट अपने उसका अपोज करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तमाम ट्विटर पर लिखते हैं उस, तो SSC ने कई साल मांग होने के बाद इस साल पहली बार नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, तो काफ़ी लंबे समय से चला है। लेकिन जहाँ तक बात हरियाणा की है, तो यहाँ तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को दो डिमांड करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से, HSSC से। पहली डिमांड कि जो एग्ज़ाम हुआ इसका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। दूसरी डिमांड ये करना चाहिए कि SSC पहले सिलेबस दो, उसके बाद में एग्ज़ाम लो। आप हमें सिलेबस बता दीजिए, उसके कितना टिपिकल पेपर बनाओ, आपको फ्री हैं आप उसके लिए, आपको राइट्स है उसका। लेकिन ये क्लियर के एग्ज़ाम में आप वेक्टर और ये चीज़ें और आप फंक्शन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन या अर्थमेटिक भी, या तो अर्थमेटिक मत पूछो, या पूछो तो सिलेबस एक बार दे दीजिए, उसको दे दीजिए आप टॉपिक बता दीजिए। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट जब तक मांग नहीं करेगा बिन मांगे कुछ नहीं मिलता उसको। आपको मांग करना पड़ेगी, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, आपको प्रेशर देना पड़ेगा अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी चीज़ों पे कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो बच्चे के हित में होगा। कुछ बच्चे हो सकता है ये वीडियो देख के कमेंट करेंगे कि सर इतना पेपर टिपिकल है और आप मेरिट इतनी हाई बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते जैसा मोहन सर ने बताया 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर बहुत आसान आया, जिन बच्चों में अगर 1.5 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं, अगर 10,000 बच्चे उनमें से अच्छे हैं, 1.5 लाख में से सर 10,000 बच्चे अच्छे हैं, वो 10,000 मेरिट को इतना ऊपर कर देंगे कि आप उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और वही 10,000 मेरिट को इतना ऊपर कर देंगे, मेरिट एकदम ऊपर चली जाएगी। अगर वो शायद 22 की इवनिंग 23 की इवनिंग नहीं होता, तो ये पेपर 50% 60% ऊपर इसकी मेरिट नहीं जाती। बस यही दो दिन हैं जो आपके मेरिट को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपसे, नॉर्मलाइजेशन की आप मांग कीजिए SSC से, HSSC से, अपना गवर्नमेंट से डिमांड कीजिए कि हमको एक सिलेबस हमको दिया जाए, उसके बाद हमसे पेपर लिए जाए। थैंक यू सर जी, धन्यवाद बहुत बहुत सर आप दोनों का, आप काफ़ी अच्छी बातें बताई। एक लास्ट क्वेश्चन आप पे सभी से रह जाता है कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है, और अभी तक हमने चर्चा की है 90 मार्क्स पर, 10 मार्क्स जो हमारा पोर्शन रह जाता है, यानी सोशल इकोनॉमिक जो क्रिटेरिया रह जाता है, मैं जानना चाहूँगा मोहन जी उसको कैसे डिवाइड किया जाए, बच्चे उसका कैसे फ़ायदा ले पाएंगे, कैंडिडेट उसका कैसे फ़ायदा ले पाएंगे 10 मार्क्स का। ठीक है सर, मैं बिल्कुल बताऊँगा आपसे। प्यारे बच्चों, आपको सभी को ये बताया जाएगा, देखिए बच्चों सामाजिक आर्थिक अंक यह है पहली बार हरियाणा में शुरुआत की गई है। इस बार जो एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का है, और उसके पश्चात में 10 मार्क्स आपको दिए गए हैं। वो कैसे कैसे विभाजित है हम ये एक बार देख लेते हैं। देखने से पहले आइए चेक करें, जो बच्चा फादरलेस है, यानी जिसके पिता 42 साल की उम्र से पहले या जिस बच्चे के 17 साल की उम्र से पहले डेथ हो जाती है, उस बच्चे को 5 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अपलिफ्ट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए फादरलेस वाले बच्चे को यहाँ 5 मार्क्स दिए गए हैं, या यदि कोई विडो है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उसको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं। इसके बाद जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यानी नो गवर्नमेंट जॉब इन ए फैमिली, यानी पापा मम्मी भाई बहन, 4 का नाम है सिर्फ, पापा मम्मी भाई बहन, इसमें वाइफ शामिल नहीं है। यदि आपके घर में
पापा मम्मी भाई बहन सिस्टर ब्रदर फादर और मदर में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। पर जिन बच्चों या जिन विद्यार्थियों के घर में या जिन कैंडिडेट के घर में कोई फादर मम्मी ब्रदर और सिस्टर जॉब पे नहीं है उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके पश्चात में एक्सपीरियंस जो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है, एक्सपीरियंस यानी आपके पास कितना अनुभव है। अनुभव के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि आप मैक्सिमम 10 मार्क्स ले सकते हो, 10 मार्क्स से ज़्यादा आपको नहीं दिया जा सकता। यानी यहाँ 1 साल के लिए आपको आधा मार्क्स दिया जा रहा है। यानी कोई कैंडिडेट यदि 20 साल काम करता है तो उसे तब जाके 10 नंबर मिल सकते हैं। लीजिए, ये एक्सपीरियंस आपको किसी भी सेमी गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में, यानी यहाँ पर जहाँ आपके पास में जिसका आपके पास में ब्यौरा हो कि आपकी सैलरी का सोर्स क्या है उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है। यानी आपके पास में एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए, मेनली आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो और चाहे वो किसी स्टेट का हो, मेनली ये माना जा रहा है। लीजिए प्रोफेसर, लीजिए वरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी और हमारी टीम का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सभी कैंडिडेट्स को उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो मैं आप सभी का अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आगे हम एक वीडियो में फिर आएंगे जिसे दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल आया है ना सर, उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी हो, कैसे आप लोग स्टडी करें, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके बारे में हम अगली वीडियो में फिर आएंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें।